गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस वीडियो में आज हम स्फीयर यानी कि गोले के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में भी हम एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में भी हमने एक दो सवाल किए थे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब ये जो सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज सेकंड ए का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ पॉइंट मूव्स सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, शो दैट इट्स लोकस इज स्फीयर। यानी कि यदि हमारे पास में कोई एक बिंदु दिया हुआ है, एक माना कि एक कोई बिंदु है, सपोज़ ये P हमारे पास में एक बिंदु है, ये हमारे पास में P एक बिंदु है। अब इस बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा हमने लिए, तो ये एक बिंदु इस प्रकार से गमन करता है। जब ये बिंदु चलेगा तो ये इस तरह से चलता है कि उसकी किसी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। तो सपोज़ हम ये दूसरा बिंदु ले लेते हैं क्यू, इसके हम कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वन, वाई वन एंड जेड वन, और दूसरा हम तीसरे बिंदु ले लेते हैं R, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में X2, Y2 एंड Z2। अब ये दोनों बिंदु की जो दूरियों का अनुपात है वो अचर रहता है, ये हमको दिया हुआ है। एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है कि उसके किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात अचर रहता है, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमको क्या दिया हुआ है, गिवन पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु का बिंदु पथ। अब ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो चलता है, जिस पथ पर ये चलता है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु पथ इसका बनेगा ये एक गोला यानी कि स्फीयर होगा। तो इसको करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में आएगा पी क्यू इज इक्वल टू के ऑफ पी आर। अब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है उसको हम स्क्वायर में ले लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सपोज़ हमारे पास में कोई दो बिंदु हैं तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाले में। तो यहाँ पर हमारे पास में पी और क्यू, ये जो हमारा पी और क्यू है, ये पी और ये क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस जेड वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास में है के स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर। अब पी से आर, ये पी से और आर के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम इसमें से अल्फ़ा इन सबको खोल लेंगे और खोल के अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ करेंगे, अल्फ़ा बीटा एक्स की टर्म को एक तरफ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा। दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा सॉरी प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस बीटा वाई वन स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ट्वाइस गामा जेड वन प्लस जेड वन स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस बीटा वाई टू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ट्वाइस गामा जेड टू प्लस गामा स्क्वायर अब इन में से हम सारी अल्फ़ा स्क्वायर वालों को एक तरफ ले लेंगे और दूसरी को एक तरफ ले लेंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास में आएगा दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ा स्क्वायर है और ये अल्फ़ा स्क्वायर है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वन माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर के स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से गामा स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो इन सबको हम एक तरफ ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस गामा स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल्फ़ा। अब हम एल्फ़ा वाली टर्म से एक साथ ले लेंगे, ये हमारी एल्फ़ा वाली टर्म है यहाँ पर एक्स वन की, ऐसे ही यहाँ पर ये एल्फ़ा वाली टर्म एक्स टू की है, तो इनको हम सबको एक तरफ ले जा करके और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा माइनस टू एल्फ़ा एक्स वन माइनस के स्क्वायर एक्स टू माइनस ट्वाइस बीटा वाई वन माइनस के स्क्वायर वाई टू माइनस ट्वाइस गामा जेड वन माइनस के स्क्वायर जेड टू प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जेड टू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरा का पूरा हमारा एक इक्वेशन है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हम यहाँ पर यहाँ करेंगे दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस के स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया पूरी समीकरण को इनटू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह से माइनस वाई वन माइनस के स्क्वायर वाई टू अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस जेड वन माइनस के स्क्वायर जेड टू अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ गामा। प्लस यहाँ पर हमारे पास में एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया, तो लोकस क्या हो गया, सो द लोकस यानी कि बिंदु पथ ऑफ पॉइंट पी इज़, जब हम लोकस निकालते हैं तो जो हमारे पास में पॉइंट होता है उसको हम एक्स वाई जेड रख देते हैं, तो यहाँ पर बिंदु पी के जो हमारे पॉइंट्स थे अल्फा बीटा गामा इनको हम एक्स वाई जेड रख देंगे, तो ये हमारे पास में हो गया दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस के स्क्वायर एक्स टू अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स माइनस वाई वन माइनस के स्क्वायर वाई टू अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ वाई माइनस जेड वन माइनस के स्क्वायर जेड टू अपॉन वन माइनस के स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ जेड प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर।
विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, ये पूरी की पूरी इक्वेशन सर्किल की, सॉरी स्पेयर की इक्वेशन होगी। यहाँ पर देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये वाली जो समीकरण है हमारी, यहाँ पर भी देखिए ये टू यू की जगह तो ये है माइनस ऑफ दिस, इसी तरह से टू वी की जगह ये है माइनस ऑफ दिस, इसी तरह से सॉरी टू की जगह नहीं सिर्फ यू की जगह, ये यू की जगह है माइनस के साथ, ये v की जगह है माइनस के साथ, और ये w की जगह है माइनस के साथ, और ये पूरा का पूरा d है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसी इक्वेशन बन गई जैसी कि स्पेयर की इक्वेशन होती है। सो तो प्रूव्ड होता है कि सो द इक्वेशन टू इज इक्वेशन ऑफ स्पेयर, हैंस रूट। तो इससे हमको ये प्रूव्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि एक्सरसाइज सेकंड ए का नाइन्थ नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस आर। अब हम इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये हमारा गोल एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। के उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आर है, केंद्र एक्स अक्ष पर है, केंद्र इसका यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया ए ज़ीरो ज़ीरो, और मूल बिंदु से गुजरता है, और ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ओ कितना हो गया मूल बिंदु ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सॉरी लेट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज गोले का समीकरण एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कब, जबकि सेंटर हमारा ए बी सी हो। तो अब इसमें हमारे पास में सेंटर हमारे को क्या दे रखा है, क्योंकि सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज ए ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो हम इसमें पास करा देते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर वन है हमारी, इसमें हम पास करा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब चूँकि ये स्पेयर मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से गुजरता है, अतः एक्स वाई अतः एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो 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 लेने पर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर दो में, ठीक है। तो ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर की जगह जीरो रख दिया तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस आर. सो द इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी एक्स ए की जगह हमने प्लस माइनस आर रख दिया का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमारा गोले का समीकरण हुआ. तो इस तरह से हम जो भी हमको सवाल दिया है उस सवाल में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसको कैसे निकालना है उस गोले के समीकरण में रख के, सेंटर की वैल्यू रख के, या जो भी, उस तरह से हम इसको हल करते हैं. थैंक यू.